देखिए, सिग्नल एप्लीकेशन में जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो इस तरीके का ये राउंड राउंड सिर्फ घूमते रहता है, सामने वाले को वो सेंड होता नहीं है, टिक का ऑप्शन बन के नहीं आता है, ये पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो वो देखते हैं उनका इंटरनेट तो चल रहा है, उनका वाईफाई तो यहाँ पर कनेक्ट है, इंटरनेट का भी शो हो रहा है कि कनेक्ट है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो मैं एक बात बताऊंगा उनको, पहले सिंपल सा आप ये कर लीजिए अपने एप्लीकेशन के बाद, उसके बाद हम यहाँ पर मेन बात करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कोई बग तो नहीं है आपकी सिग्नल की एप्लीकेशन में। वैसे तो ज़्यादातर इस ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एक बार इसे कन्फर्म कर लेंगे। सिग्नल ऐप में जाइए और यहाँ पर आपको फोर स्टॉप कर लेना है पहले अपनी एप्लीकेशन को, और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज में आना है और यहाँ पर क्लियर कैचे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बैक करना है और परमिशंस में आना है और सारी परमिशंस यहाँ से इनेबल कर देनी है। एक एक करके आप सारी परमिशंस इनेबल कर दीजिए। अब इसके बाद आपको अपने सिग्नल ऐप में आ जाना है। तो देखिए ये अभी भी पेंडिंग बता रहा है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारा इंटरनेट चालू भी है तो वहां पर हो सकता है हमारे जो हमने वाईफाई कनेक्ट किया है वहां से कंपनी की तरफ से ही नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा होता है, तो आप अपने राउटर को चेक कर लीजिए। और रही बात, हमने डेटा कनेक्शन ऑन किया है फिर भी ये नहीं चल रहा है, तो हो सकता है आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, आपको सिर्फ अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रीस्टार्ट या रीबूट कर लेना होता है अपने फ़ोन को, और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं आपको रीस्टार्ट करके बताता हूँ फ़ोन। तो हमारा फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है, अब हम जाएंगे और देखेंगे एप्लीकेशन में। तो हाँ देखिए, ये सेंड हो चुकी है, ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारी सेंड हो चुकी है, क्योंकि दो मिनट पहले हमने भेजा था लेकिन रिस्टार्ट होने के बाद अभी ये सेंड हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट चलता हुआ हालत में हो। और लास्ट में ये एक बोनस टिप देता हूँ, अगर आपका नहीं हो रहा है तो जनरल मैनेजमेंट में जाइए, या आप यहाँ पर ऐसा सर्च भी कर सकते हैं, रीसेट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इससे तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, जिन लोगों की भी नहीं होगी, 90% लोगों की पहले ही सॉल्व हो गई होगी मैंने जो बताया। लेकिन अगर नहीं हुई होगी तो आप यहाँ पर रीसेट में जाइए, रीसेट में जाकर आपको कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, डरिए मत। सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है, यहाँ से कर लीजिए। देखिए, दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स इंक्लूडिंग दोज फॉर वाईफाई, मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ। तो कोई भी आपका फ़ोन का डेटा, जो फोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो भी आपकी पिक्चर से कुछ डिलीट नहीं होने वाली है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।